बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बीएसएन पाकिस्तान पे ऑनलाइन लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस कर रहा है हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर। तो इससे पहले नर्सिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर और नर्सिंग असेसमेंट का लेक्चर डिलीवर किया जा चुका है, और नर्सिंग डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, तो आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल सीरीज जो है आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमें और सपोर्ट मिलता है कि आप लोगों के लिए हम और काम करें। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट नंबर 2 जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज। मैंने आपको बताया था ना कि हम एड 5 पढ़ेंगे, तो हमने असेसमेंट पढ़ लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो हम ये क्वेश्चन जो अभी कंटेंट में पूछे गए, हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डायग्नोसिस इन रिलेशन टू द नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस के साथ जो है डायग्नोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने उसी हवाले से उसको डिफाइन करना है। देन स्टेट द मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें आ सकती हैं, किस किस तरह से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, कितनी तरह का नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, हम उसकी टाइप्स के साथ जो है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि नर्सिंग डायग्नोसिस की कॉम्पोनेंट क्या क्या होती है, कि नर्सिंग डायग्नोसिस की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ नर्सिंग डायग्नोसिस एंड अ मेडिकल डायग्नोसिस, कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि एक नर्स बनाती है और जो मेडिकल डायग्नोसिस जो कि एक फिजिशियन जो है वो बनाता है, उनके दरमियान में क्या डिफरेंस आता है एक्चुअली। देन फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लिनिकल स्किल्स नीडेड टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, कि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन सिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा लिस्ट, ठीक है, कि नंदा लिस्ट के मुताबिक जो है आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। अब नंदा क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिंग एसोसिएशन है, ठीक है, कि उनके अकॉर्डिंग जो है आप किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, तो हम डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम 1 by 1 इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेम लेक्चर में वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप उनके कॉन्सेप्ट जो है मुकम्मल क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन डायग्नोसिस इन रिलेशन टू नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के साथ जो है डायग्नोसिस की क्या जो है रिलेशन बनता है, और नर्सिंग डायग्नोसिस में भी अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस के एक पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था कि एड पाई, ठीक है, ए फॉर असेसमेंट, बी फॉर डायग्नोसिस, बी फॉर प्लानिंग, आई फॉर इंप्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन, एंड ई फॉर इवेल्युएशन, ठीक है। तो हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक डायग्नोसिस जो है नर्सिंग प्रोसेस के एक पार्ट होता है, एंड इज अ क्लिनिकल जजमेंट, हम एक क्लिनिकल जजमेंट बनाते हैं अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी फैमिली की और उसकी कम्युनिटी की, चाहे वो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स है या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनके रिगार्डिंग उनके क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, हम उनको देखते हुए एक क्लिनिकल जजमेंट बना लेते हैं। और ये जजमेंट हमें किस में हेल्प करती है, ये हमें बेसिक नॉलेज देती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, कि हम क्या क्या इंटरवेंशन करें टू अचीव आउटकम फॉर विच द नर्स इज अकाउंटेबल, ठीक है, कि कौन कौन सी हम इंटरवेंशन करें जिससे हमारी जो आउटकम्स हैं वो आ सकती हैं हमारे पास। तो आपने सिर्फ 2 लफ्ज इसमें याद रखने, आपको डेफिनेशन पूरी याद हो जाएगी कि एक क्लिनिकल जजमेंट है किसके बारे में, एक रिस्पॉन्स के बारे में, जो कौन देता है, इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी देती है, किस बारे में देती है, एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में देती है। और उनसे नर्स को क्या पता चलता है, कि उसको पता चलता है किस तरह की मुझे इंटरवेंशन करनी चाहिए अपनी आउटकम्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये डेफिनेशन दी थी नंदा ने, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिंग एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने दी थी ये डेफिनेशन। तो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा, 2 दफा इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को मेमोराइज हो जाएगी। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने एज सच जो है पेपर में लिखना होता है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, स्टेट द मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि नर्सिंग डायग्नोसिस का मीनिंग एक्चुअल में क्या होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस फोस्टर द नर्सिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। अब इस वर्ड का क्या मतलब होगा, इस लाइन का क्या मतलब होगा, नर्सिस जो है वो डिपेंडेंट होती है डॉक्टर्स पे, कि जो फिजिशियन ने मेडिकल ऑर्डर्स लिखे हैं हमने उसको फॉलो करना होता है, हमने मेडिसिन देनी होती है पेशेंट को, ठीक है, ये जो जो जितनी भी तरह की इंटरवेंशन उन्होंने कही हमने वो कंप्लीट करनी होती है। अब जब एक नर्स डायग्नोसिस खुद बनाएगी क्लाइंट के रिस्पॉन्स के मुताबिक, तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होके अपने क्लाइंट के लिए खुद से प्लान बनाएगी, उसके लिए काम करेगी, तो नर्स को यहाँ पे हेल्प मिलता है, ठीक है।
नर्सिंग डायग्नोसिस फोस्टर द नर्सिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पेशेंट कंफर्ट और रिलीफ, हम पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ दे रहे होते हैं कंपेयर टू डिपेंडेंट इंटरवेंशन ड्राइवन बाय द फिजिशियन ऑर्डर, जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। सेकंड पे क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन ड्यूरिंग नर्सिंग असेसमेंट, हमने जो नर्सिंग असेसमेंट की थी, हमने जो उसके दौरान डेटा इकट्ठा किया था, हम उसकी बेस पे एक क्लिनिकल जजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, हम आगे जाके इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, तो ये भी एक टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, ठीक है, कि हम उसकी बेस पे क्या करते हैं, हम पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम को देखते हैं जो कि उस टाइम उसकी प्रेजेंट होती है। द नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज यूनिक अमंग अदर्स, अ नर्सिंग डायग्नोसिस इंटीग्रेट्स पेशेंट इन्वॉल्वमेंट व्हेन पॉसिबल थ्रू आउट द प्रोसेस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट को उसके अंदर इन्वॉल्व करता है, क्योंकि हम पेशेंट की फीलिंग देख रहे हैं, हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, हम पेशेंट का कंफर्ट लेवल चेक कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें पेशेंट खुद भी इन्वॉल्व है अगर पॉसिबिलिटी है तो, अगर वो आपके साथ विलिंग है, अगर वो इतना काबिल है या वो कर सकता है आपके साथ कोऑपरेट, तो क्या होगा कि हम पेशेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। देन नंदा इंटरनेशनल इज बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स दैट डेवलप रिसर्चेस एंड रिफाइन देन ऑफिशियल टेक्सोनॉमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, कि एक एसोसिएशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डायग्नोसिस को डिफाइन करती है कि किस किस क्राइटेरिया पे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। ऑल नर्सिस मस्ट बी फेमिलियर विद द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट एफिशिएंसी फ्रॉम देयर पोजीशंस, कि अगर नर्सिस अपने आप को एफिशिएंट बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो उनके प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो उनको नर्सिंग प्रोसेस के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जाके हम इसी की नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप्स पढ़ते हैं, वो आपके कंटेंट का क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन मैंने उसको डाल दिया क्योंकि वो काफी दफा एग्जाम में पूछे जाता है। काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंटेंट फॉलो करना चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करने चाहिए, तो बेसिकली पहले आपकी प्रायोरिटी आपके कंटेंट होने चाहिए, आप उनको कवर करें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं, ये जिस तरह मैं लेक्चर में मेंशन कर देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं करवा देती हूँ आप लोगों को, तो उनको भी आप लोग अच्छे से किया करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है, ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है एक्चुअल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, कि जो बेसिकली प्रॉब्लम है क्लाइंट का जब आप असेसमेंट कर रहे हो उस वक्त, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्चुअल डायग्नोसिस इज अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट, कि आप जब नर्सिंग असेसमेंट कर रहे थे, उस पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे थे आप, उस वक्त उस पेशेंट को वो प्रॉब्लम था, ठीक है, और उसके साथ उस प्रॉब्लम के साइन सिम्टम्स भी आपको नजर आ रहे थे उस क्लाइंट के अंदर, के जैसे कि क्या होगा, एग्जाम्पल इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, अब अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है तो वो फटीग्ड होगा, वो सफोकेटेड होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता रहे होंगे कि उसको बहुत एंग्जाइटी है इस चीज की, ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्लाइंट जो है इसको कोई ना कोई मसला हो रहा है, वो आपको बता रहा है अपने सिम्टम के, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे मसला हो रहा है सांस लेने में, ठीक है, आपने साइन भी देख लिए और क्लाइंट ने आपको सिम्टम भी बता दिए। तो यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन निकला है, साइन क्या होता है और सिम्टम क्या होता है, ठीक है, साइन वो होता है क्लिनिकल साइन जो कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपकी नर्स जो है या फिजिशियन जो है जो देख रहा होता है साइन, ठीक है, और सिम्टम्स वो होते हैं जो क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि मुझे ये फील हो रहा है। तो एक्चुअल डायग्नोसिस क्या था, जो असेसमेंट के टाइम पे मौजूद था। देन आता है रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस अब क्या होता है, रिस्क का क्या मतलब होता है, आप बेसिकली कि जिस चीज के होने का खदशा हो, आपको खतरा हो कि ये चीज हो सकती है फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है, हमने उसकी सर्जरी की है, तो उसके लिए क्या रिस्क हो सकता है, अगर उसके मतलब स्टिचेस लगे हैं उसको, अगर उसकी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट को तो उसको किस चीज की चांसेस है, उसको फर्दर फॉल के चांसेस हैं, गिर सकता है वो, उसके फर्दर एक्सीडेंट ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉपरली चल नहीं पाएगा कुछ अरसे के लिए, ठीक है। तो रिस्क डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है, कि जिसकी अपेरेंटली उस वक्त साइन सिम्टम मौजूद नहीं होते हैं। और रिस्क डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट दैट प्रॉब्लम विल डेवलप अनलेस नर्सिस इंटरवीन, कि अगर नर्सिस इंटरवेंशन नहीं करेंगी, प्रॉपर काम नहीं करेंगी, तो वो प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है, वो प्रॉब्लम इनिशिएट हो सकता है। जैसे रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन हॉस्पिटलाइज क्लाइंट, के हॉस्पिटलाइज क्लाइंट जो है उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि अगर हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो उनको नोजोकोंगियल इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड टाइप क्या है, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इट इज अ डायग्नोसिस इन विच एविडेंस अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम इज अनक्लियर और इनकम्प्लीट।
इट यूजली रिक्वायर्स मोर डाटा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डायग्नोसिस। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से कोविड चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो क्या है अभी हम पेशेंट को देखते हैं, अगर उसको फ्लू वगैरह कुछ है, इस तरह की सिम्टम नजर आ रही है, तो हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि हो सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम चल रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से नर्सिस जो है एक पेशेंट को देख के ये अंदाजा लगाती है कि हो सकता है इसको ये प्रॉब्लम चल रहा हो। अगर कोई पेशेंट सैड बैठा हुआ है तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका सोशल आइसोलेशन हो चुकी है, उसकी फैमिली उसको मिलने नहीं आती है, तो इस वजह से वो परेशान बैठा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वैसे वो अपनी बीमारी के बारे में सोच के परेशान हो रहा हो, उसको अपनी फैमिली की तरफ से कोई इश्यू ना हो। अब देखें इसकी एग्जाम्पल क्या, पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी, या पेशेंट जो है वो सोशली आइसोलेट होकर बैठा है, वो सबके साथ मिलता जुलता नहीं है, वो आपसे भी बात नहीं करते हैं, अपनी हिस्ट्री भी नहीं बताता है, आपको असेसमेंट भी प्रॉपर हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि वो सोशली आइसोलेटेड क्यों है। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन सिंड्रोम डायग्नोसिस क्या होता है, सिंड्रोम जो वर्ड है इससे आपको क्या समझ में आता है कि बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, कि एक जो है हमारे पास डिजीज आ जाती है तो उसकी हम उसको हम सिंड्रोम कब कहते हैं, जब उसमें काफी सारी डिजीजेस की सिम्टम्स आ जाती हैं। उसी तरह से सिंड्रोम डायग्नोसिस क्या है कि एक ऐसा डायग्नोसिस जिसके साथ बहुत सारे और फर्दर डायग्नोसिस रिलेट करते हो, चेन बनती है पूरी डायग्नोसिस की। अ सिंड्रोम डायग्नोसिस इज अ डायग्नोसिस विच इज एसोसिएटेड विद अ क्लस्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस, बहुत सारे और डायग्नोसिस उसके साथ चेंज बनाकर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसयूज सिंड्रोम में बी एक्सपीरियंस बाय द बेड रिडन क्लाइंट्स। अब डिसयूज सिंड्रोम, अब उन्होंने इतना सा ये एक वर्ड कह दिया होगा, इसके अंदर अब हम कहते हैं ना किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए एक लफ्ज काफी होता है। ठीक है, तो डिसयूज सिंड्रोम के पीछे बहुत ज्यादा सारे डायग्नोसिस की एक पूरी चेन है जो उसके पीछे चल रही है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस हो सकते हैं। डिसयूज का बेसिकली मतलब होता है कि क्लाइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा है, मोबिलिटी ही नहीं, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है जिसको जिस तरह यूज होना चाहिए था वो उस तरह से यूज नहीं हो रहा, उसके हाथ जो थे वो मूव करने चाहिए थे, उसको चलना फिरना चाहिए था, उसको उठना बैठना चाहिए था, उसको चलना फिर चल फिर के अपने काम खुद करने चाहिए थे, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग उसे खुद परफॉर्म करना चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखें इसके साथ क्या क्लस्टर एसोसिएटेड है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, कि फिजिकल मोबिलिटी जो है वो उसकी सही नहीं है, अभी इस वक्त वो मूव नहीं कर पा रहा। रिस्क फॉर आल्टर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, अब वो मुसलसल लेटा हुआ है तो उसकी रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया। रिस्क फॉर इम्पेयर टिश्यू इंटेग्रिटी, जब उसके टिश्यूज मूव नहीं करेंगे, वो वेट बेयरिंग नहीं करेंगे, हमारी बॉडी के टिश्यूज जो है वो जब वेट बेयरिंग करते हैं तो वो ग्रो करते हैं, अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। रिस्क फॉर इंजरी, इंजरी के चांसेस उसको हो सकते हैं कि जब वो उठेगा वो कोशिश करेगा मूव करने की तो उसको इंजरी हो सकती है। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, अब हमारा जीआईटी जो है वो भी हमारे मूव करने के साथ हमारी गट मूव करती है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, जब वो मुसलसल लेटा रहेगा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी होंगे और इन्फेक्शन के चांसेस भी होंगे, और इस तरह बहुत सारे डायग्नोसिस के साथ फर्दर भी चेंज बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास वेलनेस डायग्नोसिस है। वेलनेस डायग्नोसिस अब क्या होता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हेल्दी पर्सन हैं, आप अपनी हेल्थ के एक हायर लेवल को अचीव करना चाहते हैं, आपको इस वक्त कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आप फिजिकली और फिट हो जाएं, आप जो है 2 किलोमीटर भागना चाहते हैं रोज करके, मैं इतनी वॉक तो लाजमी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो डायग्नोसिस आपका बनेगा वो वेलनेस डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस रिप्रेजेंट हेल्दी रिस्पॉन्स ऑफ अ क्लाइंट हु डिजायर टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ वेलनेस, कि आप जिस लेवल पर भी हो इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो। अभी आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो, आप चाहते हो कि मैं इसको 2 किलोमीटर तक ले जाऊं, अपनी आपकी स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज करूं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या, पोटेंशियल फॉर इनहांस्ड न्यूट्रिशन। अभी आप जो खाना खा रहे हो वो ठीक है लेकिन आप चाहते हो कि आप उसके अंदर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करो जो कि आपको और नरिशमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका एक हेल्दी रिस्पॉन्स आया ना, तो ये क्या होगा, एक वेलनेस डायग्नोसिस होगा। ठीक है, तो हमने 5 स्टेप्स पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है अगर आप रिकॉल करें उनको, हमने एक्चुअल डायग्नोसिस पढ़ा, हमने रिस्क डायग्नोसिस पढ़ा, हमने पॉसिबल डायग्नोसिस पढ़ा, हमने सिंड्रोम डायग्नोसिस पढ़ा, देन हमने वेलनेस डायग्नोसिस पढ़ा। तो इन 5ों को बहुत बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये आपके थ्रू आउट द डिग्री 4 साल आपके काम आने वाली है ये 5 टाइप्स में। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कि अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस जब बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। तो बेसिकली उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम, कि जो एक्चुअल में आपको मसला चल रहा है। एटियोलॉजी, उसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को इनिशिएट करवा रहे होते हैं। देन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उस
प्रॉब्लम की वजह से जो साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो उसके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम इन तीनों कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम असल में होती क्या है, जो एक्चुअल में क्लाइंट को हेल्थ रिलेटेड इश्यू है वो उसकी प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्नोस्टिक लेबल, ठीक है, कि एक जो स्टेटमेंट जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी चल रही है तो उसको हम डायग्नोस्टिक लेबल भी कहते हैं। डिस्क्राइब द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी विच द नर्स हैव गिवन टू द क्लाइंट, ठीक है। कि अब डायग्नोस्टिक लेबल का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्लाइंट की उस हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स या उस थेरेपी से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स जो कि नर्स ने क्लाइंट को दी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, बेसिकली वो प्रॉब्लम होगी या डायग्नोस्टिक लेबल होगा। पर्पज अब क्या होता है, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक लेबल के उस प्रॉब्लम को या उस डायग्नोस्टिक लेबल को लिखने का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है इज टू डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट गोल्स। अब जब हमें किसी का एक्चुअल मसला पता चल जाता है तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब तक तो हमें मसला पता ही नहीं होता तब तक तो हम इधर उधर सर मार रहे होते हैं, ठीक है। जब हमें प्रॉब्लम पता चलती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम पे गोल सेट करते हैं और आउटकम्स उससे लेते हैं। तो जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम क्लाइंट के गोल जो है उनको डिजाइन करते हैं, ठीक है, और डिजायर्ड आउटकम जो है वो हम उससे अचीव करते हैं। और उसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन चाहिए होती है उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम उनको भी सजेस्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है डायग्नोस्टिक लेबल की या प्रॉब्लम की, क्या होनी चाहिए टू बी क्लिनिकली यूज्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो जो डायग्नोस्टिक लेबल है जो आपने डायग्नोसिस बनाया है वो क्लिनिकली यूज हो सके तो क्या होगा, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप बना रहे हैं नॉलेज डेफिसिट, ठीक है, तो नॉलेज डेफिसिट किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी मेडिकेशन से रिलेटेड, आपने उसको स्पेसिफाई करना है कि इस चीज का नॉलेज डेफिसिट है उसको। देन कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ क्वालिफायर्स होते हैं, ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि नंदा ने दे दिए हैं कि आपने ये वर्ड जो है आपने यूज करने हैं अपने डायग्नोस्टिक लेबल के साथ, ठीक है, ताकि वो उनको एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर सके। तो क्वालिफायर्स आर वर्ड दैट हैव बीन एडेड टू सम नंदा लेबल्स, नंदा के कुछ डायग्नोस्टिक लेबल के साथ हम ये जो है क्वालिफायर वर्ड्स होते हैं हम इनको यूज करते हैं, किस लिए, टू गिव एडिशनल मीनिंग, एडिशनल मीनिंग देने के लिए। तो जब भी आपने एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी है, आपने डायग्नोस्टिक लेबल लिखना है क्लाइंट का, तो आप उसके साथ क्वालिफायर यूज करेंगे तो उससे उसको एडिशनल मीनिंग मिलेगा, ठीक है। तो अब वो क्वालिफायर कौन कौन से हैं, वो सिक्स क्वालिफायर हैं। फर्स्ट आपका क्या है, ऑल्टर्ड, ठीक है। आप किसी भी वर्ड के साथ ऑल्टर्ड जब यूज करोगे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न या ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न उसका, तो उसका क्या मतलब होता है कि आई चेंज फ्रॉम बेसलाइन, कि जो बेसलाइन रेस्पिरेशन या जो बेसलाइन ब्रीदिंग पैटर्न था पेशेंट का वो उससे ऑल्टर कर गया, ठीक है। देन इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जहां भी इम्पेयर वर्ड आएगा उसका मतलब ये होगा कि वीकेंड है, डैमेज है या रिड्यूस्ड हुआ हुआ है, ठीक है। अब इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का क्या मतलब होगा, आप देखेंगे हम फिजिकल मोबिलिटी लिखते हैं कहीं पर भी तो उसका ये मतलब नहीं, हमें समझ नहीं आएगा कि इसकी फिजिकल मोबिलिटी को क्या हुआ है। अब उस फिजिकल मोबिलिटी को एडिशनल मीनिंग देने के लिए कि इसमें क्या हुआ है, बेसिकली हम एक क्वालिफायर ऐड करते हैं, हम इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी लिखते हैं कि उसकी फिजिकल मोबिलिटी जो है वो इम्पेयर हो चुकी है। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, स्मॉलर इन साइज और अमाउंट और डिग्री के, कोई भी चीज अपनी डिग्री में, अमाउंट में या साइज में स्मॉल हो गई है, ठीक है, तो हम ये वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे हमने किसी चीज के साइज को स्मॉल शो करना होता है। देन इन इफेक्टिव, इफेक्टिव होता है हमारी डिजायर्ड आउटकम, इन इफेक्टिव का क्या मतलब होगा कि आपकी नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड इफेक्ट, जितना आप चाहते हैं उतना इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। देन एक्यूट का क्या मतलब होता है, सवियर और ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, कि सवियर पेन है और शॉर्ट ड्यूरेशन की, जैसे आप बताते हो कि एक्यूट पेन, अब पेन आपने लिखा है उस किसी को उस पर समझ नहीं आ रहा कि अभी पेन हो रहा है, पहले पेन हो रहा था, किस वक्त पेन हो रहा, आप एक्यूट पेन लिखेंगे तो शॉर्ट टर्म पेन समझ में आ जाता है, ठीक है। देन अगर आप क्रॉनिक पेन लिखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि लॉन्गर टाइम तक वो पेन उसको रहेगी, जैसे कि कैंसर का पेन होता है तो वो लॉन्गर टाइम का पेन होता है ना, तो अब ये क्वालिफाइड वर्ड्स ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम आए सेकेंड कॉम्पोनेंट की तरफ जो कि है द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मैंने आपको बताया कॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, इट इन्वॉल्व वन और मोर प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम के कॉजेज होते हैं, गिव्स डायरेक्शन टू नर्सिंग थेरेपी। अब देखिए ना, जब हमें कॉज का पता चल जाता है तो हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं।
उसी तरह से हम यहाँ पर भी जब हमें एटियोलॉजी पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हम नर्सिंग इंटरवेंशंस को उस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम जो है उसको डील कर सकें एंड हेल्प द नर्स टू इनिशिएट इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर। ठीक है, इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर का क्या मतलब होता है कि हर पेशेंट की नीड्स डिफरेंट है और हमने हर पेशेंट को डिफरेंट तरह की केयर प्रोवाइड करनी है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, फॉर द प्रॉब्लम एक्टिविटी इंटॉलरेंस। अब एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो अगर हम उसको भगाएंगे दौड़ाएंगे चलाएं फिराएंगे तो वो बर्दाश्त उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए एटियोलॉजिकल कॉजेस क्या हो सकते हैं, पहला कॉज होगा सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, वो बेचारे को आदत ही नहीं है उठने फिरने की चलने फिरने की। ठीक है, जनरलाइज वीकनेस, उसकी बॉडी वीक है इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा है। इम्पेयर मोटर फंक्शन है, उसके ब्रेन से मोटर जो है ना वो फंक्शन के लिए पैगाम आ ही नहीं रहा है, स्टिमुलेशन ही नहीं हो रही है उसके मसल्स की तो वो मूव ही नहीं करेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन है, वो मोटिवेटेड नहीं है, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा आप उसको एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं। वो ओबीस है, अगर क्लाइंट ओबीस होगा तो उसके लिए एक्टिविटी करना मुश्किल होगा। तो ये सारे यहाँ एटियोलॉजिकल फैक्टर है किस लिए, एक्टिविटी इंटॉलरेंस के लिए कि वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस के जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़ा जिसको हमने डायग्नोस्टिक लेबल भी कहा, देन हम एटियोलॉजी पढ़ लिया, अब हम थर्ड कंपोनेंट पे जा रहे हैं जो कि है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दे आर द क्लस्टर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, कि वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं फॉर पार्टिकुलर डायग्नोस्टिक लेबल की जो हमने प्रॉब्लम बताई थी वो हम क्यों बता रहे हैं कि हमें ये साइंस सिम्टम मिल रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। फॉर एक्चुअल डायग्नोसिस, अब एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है जरा रिकॉल करें, हम अभी पढ़ कर आए हैं। एक्चुअल डायग्नोसिस वो होता है जो कि असेसमेंट के टाइम पर प्रॉब्लम मौजूद होती है हम तब बनाते हैं। फॉर एक्चुअल डायग्नोसिस द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आर द क्लाइंट साइंस सिम्टम्स, एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए तो साइंस सिम्टम्स मौजूद होंगे ना, हमने पढ़ा था कि मौजूद होते हैं। फॉर रिस्क डायग्नोसिस, अब रिस्क डायग्नोसिस के लिए क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है प्रॉब्लम, उसका सिर्फ रिस्क है, वो फ्यूचर में आएगी अगर आपने इंटरवेंशन ना की तो आपके पास क्या है, रिस्क डायग्नोसिस के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। अब मेजर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और माइनर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेजर वो जो कि जरूरी होते हैं कि डायग्नोसिस बनाने के लिए वो जरूर होने चाहिए, और माइनर क्या होते हैं, जो हो या ना हो उनके होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता उन साइंस सिम्टम्स के। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, फॉर अ नर्स टू मेक डायग्नोसिस ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्लाइंट वुड नीड टू एग्जिबिट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ अल्टर्ड रिस्पांस टू एक्टिविटी व्हिच मे बी डिस्निया और टैकेपनिया। अब इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस जब हमने शो करनी है किसी क्लाइंट की तो उसके अंदर कोई हमें साइंस सिम्टम नजर आएंगे तभी हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस का डायग्नोसिस बनाएंगे। तो साइंस सिम्टम क्या होंगे, क्लाइंट कहेगा मुझे सांस नहीं आ रहा है या मुझे बहुत तेज तेज सांस आ रहा है। ठीक है, तो हम उससे देख के हम उन साइंस सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके बनाएंगे कि क्लाइंट एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए बच्चों। तो हमारे नर्सिंग जो डायग्नोसिस की कंपोनेंट तीन है, उसके तीन पार्ट्स जो है जिनसे वो मिलके बनता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस स्टेटमेंट बनती है, हमने वो तीनों कंपोनेंट कर लिए, प्रॉब्लम एटियोलॉजी एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे हम देखेंगे कि इनको जोड़ना कैसे होता है डायग्नोसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए। अच्छा जी, पहले हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस उसके नाम से जाहिर है कि इसको कौन बनाता है, रजिस्टर्ड नर्स बनाती है अपने नॉलेज पे एक्सपीरियंस की बेस पे और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग बनाती है। और मेडिकल डायग्नोसिस एक फिजिशियन बनाता है किस बेस पे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा पे। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो क्लाइंट खुद दे रहा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो आपको उसके साइंस नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, और डिजीज को डिस्क्राइब करता है सिर्फ। उसके बाद क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है नर्सिंग डायग्नोसिस की, डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू डिजीज प्रोसेस। हम पढ़ के आए ना कि क्लिनिकल जजमेंट है किस बारे में, क्लाइंट इंडिविजुअल का, फैमिली का और कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ वन टू और थ्री पार्ट स्टेटमेंट होती है यूजली इंक्लूडिंग प्रॉब्लम एंड एटियोलॉजी। ठीक है, कि प्रॉब्लम को और एटियोलॉजी को होता है इन्वॉल्व करता है, बाज दफा ऐसा होता है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को इन्वॉल्व नहीं करता है, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस होता है सिर्फ डिजीज की पैथोलॉजी को इन्वॉल्व करता है, ये ह्यूमन रिस्पॉन्सिस को इन्वॉल्व नहीं करता, और ये तीन लफ्जों से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आपने डिजीजेस के नाम पढ़े होंगे ना, ट्यूबरकुलोसिस हो गया उसको, ठीक है, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं जो कि एक फिजिशियन बना रहा होता है। देन ओरिएंटेशन ऑफ डायग्नोसिस क्या होती है,
जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो सिर्फ क्लाइंट के इर्द गिर्द ओरिएंटेड होता है, क्लाइंट को फोकस कर रहा होता है, ठीक है, और मेडिकल डायग्नोसिस उस डिजीज को फोकस कर रहा होता है जो क्लाइंट को हो चुकी है। देन ट्रीटमेंट ऑर्डर्स क्या होते हैं? अब नर्स जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट ऑर्डर्स है वो नर्स देती है, और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट ऑर्डर्स होते हैं वो कौन देता है? वो फिजिशियन देता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग फोकस क्या होता है कि उसने ट्रीट करना उस प्रॉब्लम को और जो होने वाली है उससे प्रिवेंट करना होता है, और मेडिकल डायग्नोसिस में नर्सिंग फोकस क्या होता है कि उसने जो मेडिकल ऑर्डर्स हैं जो फिजिशियन ने ऑर्डर दे दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, और साथ साथ कंटिन्यूसली उसने मॉनिटर करना होता है कि जो मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ फिजिशियन के कहने पे उससे मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग एक्शन क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नर्स किसी के भी अंडर काम नहीं कर रही होती है, वो खुद इंडिपेंडेंट होकर काम हो रहा होता है, ठीक है। देन मेडिकल डायग्नोसिस में नर्सिंग एक्शन क्या होते हैं कि नर्स जो है वो डिपेंडेंट है फिजिशियन के ऊपर, ठीक है, कि जो वो कहेगा उसने उसको फॉलो करवाना होगा। देन नर्सिंग डायग्नोसिस की ड्यूरेशन कितनी होती है? वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है कि अगर आपने जल्दी जो है आउटकम्स अचीव कर लिए हैं तो वो खत्म हो जाएगा, जबकि जो मेडिकल डायग्नोसिस है जब तक वो डिजीज ट्रीट नहीं होती तब तक वो रहेगा उसके साथ, ठीक है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डेवलप्ड है लेकिन यूनिवर्सली अभी एक्सेप्टेड नहीं है, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या किया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, कि उस पर्सन की कार्डिक आउटपुट कम है जिसकी वजह से क्या है एक्टिविटी इंटॉलरेंस आ रही है उसके अंदर, ठीक है। और मेडिकल डायग्नोसिस की एग्जाम्पल क्या है कि हमने एक डिजीज का नाम दे दिया, हमने कहा था ना नो मोर देन थ्री वर्ड्स, ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दो वर्ड्स आ गए इसके अंदर MI, ठीक है, तो ये एक मेडिकल डायग्नोसिस की एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों का डिफरेंस तैयार हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस का और मेडिकल डायग्नोसिस का। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्लिनिकल स्किल्स नीडेड टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, कि नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए होते हैं। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, के आपको एनालिसिस के स्किल्स आने चाहिए और सिंथेसिस के स्किल्स आने चाहिए, ठीक है, और पूरा डायग्नोसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी होने चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ पर्सन रिव्यूज डाटा एंड कंसिडर्स एक्सप्लेनेशन बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कि कोई भी ओपिनियन देने से पहले आप उस तमाम डाटा को अच्छे से रिव्यू करते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसकी पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद आप एक ओपिनियन बनाते हैं। देन एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उसको दोबारा से आपने अच्छे से स्टडी करना होता है, ठीक है, और सिंथेसिस क्या होता है कि उन्हीं टुकड़ों को दोबारा से जोड़ के आपने दोबारा से एक नई चीज बनानी होती है। तो एनालिसिस कैट इज द सेपरेशन ऑफ थिंग्स और थॉट्स इनटू पार्ट्स एंड सिंथेसिस इज जस्ट ऑपोजिट टू एनालिसिस दैट इज पुटिंग टुगेदर द पार्ट्स टू फॉर्मिंग अ होल, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। एन एक्सपर्ट नर्स में एंटर द क्लाइंट्स रूम एंड ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट डाटा टू फॉर्म डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दी हुई है कि जो एक्सपर्ट नर्स है जिस तरह से हेड नर्स होती है वो अगर एंटर करती है क्लाइंट के रूम में तो वहां जाके उसको सबसे पहले जो चीजें नजर आएंगी उसने फौरन से उनको ऑब्जर्व करके उनसे डायग्नोसिस बना लेना है कि अगर उसको यूरिन बैग जो है वो नीचे हैंग करता हुआ मिल रहा है या उसके क्लाइंट के पास फर्श पे पड़ा हुआ है तो वो डायग्नोसिस बना सकती है कि इसको रिस्क है किस चीज के इन्फेक्शन का, ठीक है, इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि इसके उसकी यूरिन बैग की केयर नहीं हो पा रही है। जबकि जो एक न्यू स्टूडेंट है नर्सिंग स्टूडेंट उसके लिए क्या है, उसको पूरी एक गाइडलाइन चाहिए उस स्टेटमेंट को समझने के लिए, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट है जाहिर है उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो वो लोग इस तरह की जल्दी से स्टेटमेंट बना सकते हैं, जबकि आप लोगों के लेवल पे उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है उन चीजों को समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए होते हैं। तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है उसके तीन स्टेप होते हैं बेसिकली डायग्नोसिस बनाने के लिए। एनालाइजिंग डाटा, आप डाटा को पहले एनालाइज करते हैं जिसे हमने पढ़ा था ना असेसमेंट के अंदर, ठीक है, हमने कलेक्ट डाटा किया था, ऑर्गेनाइज डाटा, ठीक है, वैलिडेट डाटा हमने किया था, ठीक है, और देन हमने डॉक्यूमेंट डाटा किया था, हमने चार स्टेप्स किए थे कवर। तो हम इसी तरह से डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर भी हम तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एनालाइज डाटा, आइडेंटिफाई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रिस्क एंड स्ट्रेंथ एंड देन फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तीन स्टेप हम फॉलो करेंगे, हमें ये स्किल्स आने चाहिए तो हम जो है वो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो एनालाइजिंग डाटा के अंदर कुछ फर्दर हेडिंग्स थी तो वो मैंने यहीं पर डाल दी था कि आप लोगों को इस पूरे का एक स्केच बन जाए दिमाग में, आप लोगों को याद हो जाए।
एनालाइजिंग डाटा में पहले है कंपेयर डाटा अगेंस्ट स्टैंडर्ड की, जो आपके स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं बुक्स में, लिटरेचर में, आपकी प्रैक्टिस में, आप उससे कंपेयर करेंगे क्लाइंट के डाटा को, ठीक है। देन सेकंड क्या है, क्लस्टर क्यूज, ठीक है, कि आपने क्यू इकट्ठे करने हैं। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर दिए थे वो स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट क्यूज जो कि आपको क्लाइंट के डाटा में से मिले थे कि ये मैच कर रहा है स्टैंडर्ड के साथ, ये मैच नहीं कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है स्टैंडर्ड से, ये इतना डेविएट कर रहा है, इसको इतना डेविएट नहीं करना चाहिए। आपने आइडेंटिफाई कर लिए सिग्निफिकेंट क्यूज, जब आपको क्यू मिल गए फिर आपने उन सबको इकट्ठा कर लिया, क्लस्टर बना लिया उनका, ठीक है। फिर आपने देखा कि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है, आपने उसको दोबारा से एक दफा देखना है कि उसके अंदर गैप और इनकंसिस्टेंसीज कहाँ कहाँ रही है, कहाँ कहाँ कमी रही है, जहां पे एक पैटर्न नहीं बन रहा आपके डाटा का, ठीक है। तो आपने डाटा को एनालाइज कर लिया, देन आपने क्या किया, आपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया। और थर्ड पे आपने क्या किया, जब आपने डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी है तो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट तीन तरह की होती है, थ्री पार्ट स्टेटमेंट होती है, बेसिक टू पार्ट स्टेटमेंट होती है, और वन पार्ट स्टेटमेंट होती है। हम इनको आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या था, एनालाइजिंग डाटा। तो एनालाइजिंग डाटा के अंदर फर्दर तीन कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग डाटा विद स्टैंडर्ड नॉर्म्स, आइडेंटिफाई क्यूज, हम क्यूज को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। अ स्टैंडर्ड और नॉर्म इज जनरली एक्सेप्टेड मेजर रोल मॉडल और पैटर्न। मैंने आपको बताया कि जो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो 120 बाय 80 नॉर्मल बीपी है, अब हर किसी का इतना तो नहीं होता ना, हम उसके साथ स्टैंडर्ड के साथ उसको देखते हैं कि क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। द नर्स यूजेज अ वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड ग्रोथ पैटर्न, नॉर्मल वाइटल साइंस और लेबोरेटरी वैल्यूज। हम अगर लैब की वैल्यूज देखें तो उसमें हमें रेंज मिलती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। जैसे कि हमें आरबीसी की मिलती है 4.7 to 5.4 जो है मिलीमीटर क्यूब तक हमें मिलती है इसकी रेंज, ठीक है। तो उसी तरह से हमें लैब वैल्यूज की मिल गई हमें, ठीक है, वाइटल साइन की मिल गई, हम कहते हैं कि 120 बाय 80 नॉर्मल बीपी होता है, या पल्स जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है, या रेस्पिरेशन रेट जो है वो 16 to 20 के बिटवीन जो है वो हमारे पास फॉल करता है नॉर्मली। तो नर्स जो है वो वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड यूज करती है अपने क्लाइंट के डाटा को कंपेयर करने के लिए। अब क्यू क्या होता है, क्यू इज एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंसेस दैट डिसीजन, कि उससे जब आपको क्यू जो है क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये चीज मैच नहीं कर रही है उसके साथ में, ठीक है। तो आपके डिसीजन को वो चीज इन्फ्लुएंस करेगी कि अच्छा ये मैच नहीं कर रही तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। जब आप उस पॉइंट पे जाके सोचोगे तो फिर आपका डिसीजन क्या होगा, चेंज हो जाएगा उस पॉइंट के लिए, ठीक है। कि एक क्यू को हम सिग्निफिकेंट कब कंसिडर करते हैं, जब इन तीनों में से कुछ भी एक जो सिग्निफिकेंट पॉइंट हमें मैच करता हुआ मिलता है। द क्यू पॉइंट आउट चेंज इन क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, कि वो जो क्यू आपको मिल रहा है वो पॉइंट आउट कर रहा है क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के अंदर किसी चेंज को। जैसे क्लाइंट बता रहा है, क्लाइंट स्टेट दैट आई हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। क्लाइंट आपको बता रहा है कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करना पड़ा है कुछ टाइम तक, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, एक चेंज मिला क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के अंदर। तो क्या हुआ, ये क्यू आपका सिग्निफिकेंट हो गया। द क्यू वेरीज फ्रॉम नॉर्म्स ऑफ क्लाइंट पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्यू जो है वो क्लाइंट की पॉपुलेशन में चेंज है, जबकि आपके स्टैंडर्ड है उसमें चेंज है। अब देखिए कैसे, क्लाइंट कह रहा है द क्लाइंट्स पैटर्न में फिट विद इन कल्चरल नॉर्म बट मे वेरी फ्रॉम नॉर्म्स ऑफ जनरल सोसाइटी। अब क्लाइंट की क्या हैबिट है, वो खाना कम खाते हैं, वो बताएगा कि मेरी पूरी पॉपुलेशन जो है, मेरी कम्युनिटी जो है, वो सारे खाना कम खाते हैं। अब ये जनरल स्टैंडर्ड से तो कम है लेकिन उसके लिए क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्यू होगा कि ये उनकी हैबिट है, उन लोगों के अंदर ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन डेवलप करती आ रही है। देन द क्यू इंडिकेट डेवलपमेंटल डिले। अब आपने क्लाइंट की जो है हाइट देखी फॉर एग्जांपल, तो उसकी हाइट जो है वो जनरल सोसाइटी से, जो आपके पास बीएमआई कैलकुलेशंस है उसके मुताबिक उसकी हाइट कम है या उसका वेट उसके मुताबिक कम है, तो आपको पता चलेगा कि इस क्लाइंट में डेवलपमेंटल डिले आ रहा है। फिर आप उसके तमाम सिस्टम्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे कि कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, कि अगर वो बच्चा है, छोटा बच्चा, तो वो बैठा किस उम्र में था, उसने चलना किस एज में शुरू किया था, वो जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स उसने कब सीखे थे, उसने फाइन मोटर स्किल्स कब सीखे थे, ठीक है। तो आपको क्यू जो है अगर डेवलपमेंटल डिले इंडिकेट कर रहा है तभी वो आपके पास सिग्निफिकेंट क्यू है, आप उसको भी ले सकते हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या था, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्यूज को तो फिर हमने उनको क्लस्टर करना है टू डिटरमिन द रिलेटेडनेस ऑफ फैक्ट एंड टू डिटरमिन वेदर एनी पैटर्न इज प्रेजेंट अमंग क्यूज। जब आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी जो क्यूज है उनके अंदर कोई पैटर्न है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप उनको
क्लस्टर करें, इकट्ठा करें. द नर्स मेक क्लस्टर डाटा इंडक्टिवली बाय कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट असेसमेंट एरियाज. कि नर्स क्या करती है कि वो बहुत सारे एरियाज में से, मतलब क्लाइंट के हम हेड टू टो असेसमेंट कर रहे हैं, हमने हर तरह से उसका डाटा इकट्ठा कर लिया. ठीक है, जनरल असेसमेंट में करते हैं कि हम रॉ डाटा इकट्ठा कर लेते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए. ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, पहले हम रैंडमली डाटा इंडक्टिवली इकट्ठा करते हैं, देन हम डिडक्टिवली क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते जाते हैं. किस तरह से, हम गॉर्डन्स पैटर्न जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर देते हैं. डाटा क्लस्टरिंग ऑल्सो इन्वॉल्व मेकिंग इन्फ्रेंसिस, हम उससे इन्फ्रेंसिस बनाते हैं, नतज निकालते हैं. एंड इन्फ्रेंस इज नर्सिस जजमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज, कि उन क्यूज से हमें जो जजमेंट मिलती है, जो हमें इंटरप्रिटेशन मिलती है, वो क्या होती है, वो इन्फ्रेंस होती है. तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया क्लस्टरिंग क्यूज, हमने क्यू इकट्ठे कर लिए. देन थर्ड हमारे पास क्या, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, हमने उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी देखनी. इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, कन्फ्लिक्टिंग डाटा होता है जिसको कि आपका रिलाई करने को दिल नहीं कर रहा होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है. तो स्किलफुल असेसमेंट मिनिमाइजेज गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इन एनालिसिस ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लाइंट रिपोर्ट नॉट हैविंग सीन अ डॉक्टर इन 15 ईयर्स, अगर एक क्लाइंट कह रहा है कि 15 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, जबकि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगे हैं क्लाइंट का, तो वो आपको बताता है कि मेरा डॉक्टर हर हफ्ते मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो आपके जहन में तो आएगा किसने मुझे अभी बताया था कि ये 15 साल से डॉक्टर के पास नहीं गया, तो फिर हर हफ्ते डॉक्टर इसका किस तरह से बीपी चेक करता था. ठीक है, तो आपको ये इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज या गैप्स मिलते हैं जिनसे आपने डील करना होता है. तो आपने डायग्नोस्टिक प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो था एनालाइजिंग डाटा, आपने उसके तीनों स्टेप कर लिए, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स को, रिस्क को और स्ट्रेंथ को देखना था. तो हमारा सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ. ठीक है, हम एनालाइजिंग जो है डाटा पढ़ चुके हैं, हम सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम को. तो प्रॉब्लम क्या है, द नर्स एंड क्लाइंट टुगेदर डू दिस एंड मेक टेंटेटिव डायग्नोसिस. अब नर्स और क्लाइंट जो है वो दोनों मिलकर जो है, अगर पॉसिबल है दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो टेंटेटिव डायग्नोसिस वो खुद बनाएंगे. द क्लाइंट्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स, अब क्लाइंट के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में पहले डायग्नोसिस बनाया जाएगा, देन उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि उसको हो सकती है हम उसके बारे में बनाएंगे डायग्नोसिस, देन पॉसिबल प्रॉब्लम जो है जो कि उसको, जिनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि वो उसको अभी है या नहीं है, हम उनके बारे में भी डायग्नोसिस बनाएंगे क्लाइंट के साथ मिलकर. इट इज ऑल्सो डिटरमिंड दैट वेदर द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस. अब हमें पता चलेगा जब हम डायग्नोसिस बनाएंगे तो हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे जो क्लाइंट बता रहा है आपको साइन सिम्टम्स, उससे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना चाहिए या आपको ये साइन सिम्टम फिजिशियन को बताने चाहिए ताकि वो मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो उसके साथ में अटैच कर सके. ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना होता है. देन आपने डिटरमिन करना होता है क्लाइंट की स्ट्रेंथ को. स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी अपनी ताकत होती है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी क्लाइंट की क्या स्ट्रेंथ होगी, अगर वो अच्छे से कोप कर सकता है किसी चीज से, उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव जो है पावर बहुत ज्यादा है उसके अंदर, सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी है उसकी. ठीक है, उसका जो है वो कोपिंग एबिलिटीज अच्छी है उसकी. ठीक है, वो डील अच्छे से कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, वो बहुत जल्दी जो है वो परेशान नहीं होता. तो ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी बड़े से बड़े डिजास्टर को डील कर सकता है. तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है. द नर्स एंड क्लाइंट ऑल्सो एस्टैब्लिश द क्लाइंट स्ट्रेंथ रिसोर्सिस एंड एबिलिटीज टू कोप. हम उसकी एबिलिटीज टू कोप जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं. अ क्लाइंट स्ट्रेंथ माइट बी हिज वेट. हम वेट को किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, अगर उसका वेट उसकी हाइट के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, उसका बीएमआई जो है वो 30 से नीचे है या 25 से नीचे है उसका बीएमआई, वो फिट है फिजिकली तौर पे, तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ है कि उसको फिजिकली और कोई मसला नहीं है, तो वो इस प्रॉब्लम से भी डील आराम से कर लेगा. या फिर उसकी क्या हो सकती है कि वो अच्छे से किसी भी लॉस को बहुत जल्दी कोप कर सकता है, या फिर उसकी नॉन स्मोकिंग हैबिट जो है वो उसके लिए फायदेमंद हो सकती है. तो हम उसको उसकी सेल्फ के पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ दिखाएंगे कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है जो बाकियों में नहीं है, इसलिए आप अच्छे से डील कर सकेंगे इसके साथ. तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रॉब्लम को डिटरमिन करेंगे, देन हम उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेंगे कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए. ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है बच्चों, इसको आप लोग ऑनलाइन देखिएगा प्लीज. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे काम में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, किसी तरह से बीएसएन फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसको ऑनलाइन देखा करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें. आपके इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है.
देन हमारे पास थर्ड पार्ट आता है इसका, फॉर्मुलेटेड डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ये हमारे पास स्किल भी है जो कि हम क्वेश्चन अपना कर रहे थे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है जो कि हमने फॉर्मुलेट करना था नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हम उसको भी ध्यान से फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये उन दोनों में सेट होता है, ठीक है। कि उसका थर्ड पार्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं कंसिडर, और ये अलग से क्वेश्चन भी आपका बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से आपको बता दिया। तो फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट क्या होगी, सबसे पहले हमने पढ़ा था थ्री पार्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो थ्री पार्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, इसे हम पेस फॉर्मेट कहते हैं, PES फॉर्मेट। पी से मुराद क्या है, प्रॉब्लम है, ई से एटियोलॉजी है, और एस से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे आप पीछे पढ़ के आए थे ना, कॉम्पोनेंट होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, प्रॉब्लम होती है, एटियोलॉजी होती है, और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे मैंने साइंस सिम्टम ली है, क्योंकि रिकमेंडेड बुक में आप लोगों की इस तरह से था, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो कि आपका डायग्नोस्टिक लेबल आपने देना है। एटियोलॉजी क्या है, उसकी कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, और साइंस सिम्टम्स क्या होती है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है, ठीक है। और इसे हम किस लिए यूज करते हैं, यूज फॉर एक्चुअल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है, जो कि असेसमेंट के टाइम पेशेंट के अंदर साइंस सिम्टम जिसके मौजूद थे। अब यहाँ ये रेड में एक लाइन लिखी हुई है, दिस फॉर्मेट कैन नॉट बी यूज फॉर रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस के लिए हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क डायग्नोसिस में हमारे पास साइंस सिम्टम्स नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो हम इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ एक्चुअल डायग्नोसिस में यूज करते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम सबसे पहले प्रॉब्लम लिखते हैं, हमने PES फॉर्मेट का है ना इसको, हम प्रॉब्लम लिखते हैं, साथ में हम उसके लिखते हैं रिलेटेड टू, ठीक है, हम ये वर्ड ऐड करते हैं। देन हम एटियोलॉजी लिखते हैं, जो कि कॉजेटिव फैक्टर है बेसिकली, उसके साथ हम लिखते हैं एज मैनिफेस्टेड बाय, हमें इस तरह से जाहिर हुए हैं, ये कौन सी चीजें जाहिर हुई है, साइंस सिम्टम्स के थ्रू हमें पता चला है, ठीक है। तो तीन चीजें आती है बेसिकली, प्रॉब्लम है, एटियोलॉजी है, और साइंस सिम्टम्स है, और बीच में आप लोगों ने रिलेटेड टू ऐड करना है प्रॉब्लम और एटियोलॉजी के दरमियान में, और एज मैनिफेस्टेड बाय आपने यूज करना है साइंस और सिम्टम्स और एटियोलॉजी के दरमियान, ठीक है। अब हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं इस तरह का, सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू, मैंने रिलेटेड टू को RT लिख दिया हुआ, ठीक है। सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस हुई है रिलेटेड टू रिजेक्शन बाय हस्बैंड, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, एटियोलॉजी आ गई, ये आपकी प्रॉब्लम आ गई, सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू आ गया, देन आपकी एटियोलॉजी आ गई, रिजेक्शन बाय द हस्बैंड एज मैनिफेस्टेड बाय, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब साइंस सिम्टम्स क्या आएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, अब वो पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव हुई थी क्रिटिसिज्म के लिए, स्टेट क्या करती है, क्या बोलती है वो, आई डोंट नो इफ आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ, कि मैं, मुझे नहीं पता कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी, एंड रिजेक्ट पॉजिटिव फीडबैक, आप उस क्लाइंट को पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं तो वो रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो ये उसका डायग्नोसिस बनेगा, जो कि थ्री पार्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं थ्री पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के। तो ये मोर डिस्क्रिप्टिव होती है, हमने देखा ना काफी बड़ी थी, आपको सब कुछ समझ में आ गया उससे। हेल्प्स इन प्लानिंग इंटरवेंशन, क्या आप जो है इंटरवेंशन इससे प्लान कर सकते हैं, इसमें साइंस और सिम्टम जो है वो बहुत इजिली एसेसिबल होते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वेरी प्रोलॉन्ग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। अब बाज दफा ऐसा होता है कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ रीड करना होता है, क्लाइंट की हिस्ट्री देखनी होती है, तो आपको इतना बड़ा डायग्नोसिस जो है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इनकन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड है, आपको समझना इसको मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए ये मसला खड़ा करेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टू पार्ट स्टेटमेंट, जिसे हम PE फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। पी वही प्रॉब्लम है जो कि डायग्नोस्टिक लेबल होता है, ई आपकी एटियोलॉजी होती है जो कि कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें भी हम उसी तरह से रिलेटेड टू वर्ड ऐड करते हैं, क्यों, ड्यू टू हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर ड्यू टू वर्ड ऐड कर देते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है कि एक पार्ट जो है वो दूसरे को कॉज कर रहा होता है, जबकि प्रॉब्लम एटियोलॉजी को कॉज नहीं कर रही होती, एटियोलॉजी से प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रिलेटेड टू वर्ड ऐड करना होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, प्रॉब्लम है, देन रिलेटेड टू उसी तरह से आपने ऐड करना है, और एटियोलॉजी ऐड करनी है, वो एज मैनिफेस्टेड बाय और साइंस सिम्टम आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ दो चीजें आएंगे, प्रॉब्लम एंड एटियोलॉजी, बीच में आपने रिलेटेड टू ऐड करना है। जैसे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग लिगजेटिव यूज, की क्लाइंट ने लिगजेटिव यूज किए थे तो उसको क्या हुआ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू हिप फ्रैक्चर एंड नॉन कम्प्लायंस रिलेटेड टू डिनाइल ऑफ डिजीज, की डिनाइल ऑफ डिजीज जो है उसकी वजह से क्लाइंट क्या है, नॉन कम्प्लायंट है, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहा है, वो मेडिसिन नहीं लेता है, ठीक है। तो हमने टू पार्ट स्टेटमेंट भी बना ली यहाँ पर। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दी है टू पार्ट स्टेटमेंट को बनाने के लिए। कंसिडर अ पेशेंट हैविंग अ फ्रैक्चर एंड फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस, एटलीस्ट फाइव नर्सिंग डायग्नोसिस, आपने टू पार्ट स्टेटमेंट के नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, ठीक है। अब
फ्रैक्चर सोचिए सर, आपको नर्सिंग डायग्नोसिस जो है बच्चों बनाने आने चाहिए, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो लिखें, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे सिनेरियो बनाकर दिया, इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को ऐसे, तो आप लोगों को बनाने आने चाहिए। अब आप देखेंगे फ्रैक्चर हुआ किसी पेशेंट को, उससे रिलेटेड उसको क्या क्या हो सकता है, हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उसको एक्चुअल होंगे, जो उस पर रिस्क होगा या जो उसको डेफिशिएंट होंगे जो उसके, हम उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अब जैसे हमारे पास पेशेंट को फ्रैक्चर है तो उसको अल्टीमेटली पेन तो होगा, तो पेन का उसका आपने बना लेना है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू स्वेलिंग हुई है उस पेशेंट को, एडिमा हुआ है फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा है उसको एक्यूट पेन हो रहा है। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, बोन फ्रैक्चर होती है तो ऊपर से जो मसल थे उसके टिश्यू वगैरह थे वो भी जरूर डैमेज हुए होंगे, तो स्किन इंटेग्रिटी जो है वो भी इम्पेयर हुई, क्यों हुई, ब्रूजिंग की वजह से, ठीक है। देन इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, उसकी फिजिकल मोबिलिटी भी जरूर जो है वो इम्पेयर होगी पेशेंट की, ठीक है। देन रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन, ठीक है, अब ये उसके रिस्क है, ये उसके एक्चुअल डायग्नोसिस थे तीन जो थे, अब उसके रिस्क डायग्नोसिस आ गए कि उसको पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन हो सकती है, अगर उसको कोई नर्व डैमेज हो गई है उसकी तो क्या होगा, उसको रिस्क है उसका कि उसको न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन भी हो सकता है। देन उसको इन्फेक्शन का रिस्क भी है, लो सेल्फ स्टीम का रिस्क है क्योंकि उसको अब डिपेंड होना पड़ रहा है दूसरों के ऊपर, उसको कॉन्स्टिपेशन का रिस्क भी है क्योंकि वो मोबाइल नहीं रहा, वो मूव नहीं कर रहा, वो बेड रिडन हो गया है, तो उस वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन का रिस्क भी है। और डेफिसिट नॉलेज है, ये भी आप सब में बना सकते हैं, लो सेल्फ स्टीम का अगर एडल्ट पेशेंट है तो आप उसमें लो सेल्फ स्टीम का भी बना सकते हैं, अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो आप उसमें इन्फेक्शन का भी सब में बना सकते हैं, ऑलमोस्ट सब डायग्नोसिस में, ठीक है। और डेफिसिट नॉलेज भी आप सब में बना सकते हैं, अगर वो एडल्ट पेशेंट है तो डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट रिजीम, ठीक है, किसको अपने ट्रीटमेंट रिजीम का नहीं पता तो डेफिसिट नॉलेज है उसका, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 7-8 डायग्नोसिस बनाने बता दिए कि आप किसी भी सिनेरियो, आपको कोई भी सिनेरियो दिया जाए आप उसके साइन सिम्टम्स के बारे में सोचें कि अगर ये डिजीज है तो इसमें ये साइन सिम्टम्स आएंगे और ये प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो सकता है, ये रिस्क है उसके लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप नंदा लिस्ट के मुताबिक आप डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कहते हैं वन पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वन पार्ट स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ डायग्नोस्टिक लेबल लिखते रहते हैं, जैसे कि वेलनेस डायग्नोसिस है या सिंड्रोम डायग्नोसिस है, इसके अंदर सिर्फ डायग्नोस्टिक लेबल आता होता है, एज द डायग्नोस्टिक लेबल आर रिफाइंड, वो इतने रिफाइंड होते हैं डायग्नोस्टिक लेबल कि उनके साथ किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि अगर आप उसे एटियोलॉजी ऐड करोगे तो वो भी इतनी ज्यादा सेंस नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ठीक है, तो ये एक पूरा एक वर्ड बन गया, एक पूरी वन पार्ट स्टेटमेंट बन गई जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एटियोलॉजी वगैरह के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, इसको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। करंटली नंदा लिस्ट इंक्लूड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है ये भी एक वन पार्ट स्टेटमेंट है। देन एंटीसिपेटरी ग्रीविंग जो है, एंटीसिपेटरी ग्रीविंग भी एक वन पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है जो कि नंदा ने डिस्क्राइब की हुई है। देन बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट है, आज मेरा दिल कहता है कि असाइनमेंट मैं चेक तो नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग जो है खुद से करके अपने आप को सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि आप लोगों एक तरह से छोटा सा एक एग्जाम हो जाएगा कि आप लोगों ने देखना है कि 10-year-old पेशेंट है जिसको डायरिया हुआ है, तो आपने उसके लिए 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, तो आप बनाकर देखें किस तरह से हो सकते हैं। मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ कि डायरिया में क्या क्या होता है। डायरिया में एक तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन होगा, एक्यूट पेन होगा उसको, ठीक है, उसकी स्किन इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। अगर छोटा बच्चा जैसे 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो वो उसकी जो है डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरों के ऊपर, वो टॉयलेट ट्रेन था पहले वो खुद से नहीं जा पा रहा है, ठीक है, या सेल्फ स्टीम उसकी लो होगी क्योंकि वो उसको जो है वो इनकॉन्टिनेंस होगी, वो ड्रिबलिंग हो जाएगी उसके फीसिस की, ठीक है, इनवॉलंटरी उसके फीसिस पास हो जाएंगे, स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से उसके बना सकते हैं, ठीक है। देन मैंने सेकंड सिनेरियो दिया 60-year-old पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है तो आपने उसके रिलेटेड जो है आपने 5 डायग्नोसिस एटलीस्ट बनाने हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है उनके अकॉर्डिंग आप साइन सिम्टम बना सकते हैं। आप देखें कि पहले उस पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, उसकी जो है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी होगी, ठीक है, उसके अलावा उसकी स्किन इंटेग्रिटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो भी डिस्टर्ब होंगी, तो इनसे रिलेटेड नॉलेज डेफिसिट का भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। और 25-year-old पेशेंट है जिसको बर्न हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड बना सकते हैं कि उसकी इम्पेयर न्यूट्रिशन होगी उसकी, ठीक है, उसकी स्किन इंटेग्रिटी जो है वो इम्पेयर हुई होगी, उसको एक्यूट पेन होगा उसको, ठीक है,
तो आपने इन तीनों सिनेरियोज के बच्चों आप लोगों ने डायग्नोसिस बनाने और खुद से चेक करने हैं। अगर आप लोगों के पास कोई फ्रेंड है, आप लोग किसी दोस्त के साथ मिलकर लेक्चर लेते हैं, तो आप उसको चेक करा सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट के आंसर करूंगी। मुझे बहुत इंतजार रहता है कि आप लोग कुछ पूछे, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर खत्म होता है। तो लेक्चर अगर आप लोगों को वाकई हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों की कुछ हेल्प की हो इसने और आप लोगों को कुछ सिखाया हो इस लेक्चर में, तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा। जब हम आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर सकते हैं तो आप लोग यकीनन हमारे लिए एक थम्स अप तो प्रेस कर सकते हैं, आप हमें लाइक तो दे ही सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके, कुछ अच्छा पा सके। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली पूरी सीरीज जो है आप अटेंड कर सके और आपका कोई भी लेक्चर मिसिंग ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, इंशाल्लाह अगला लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।